हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास टेंथ का जो स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था ना, प्री बोर्ड का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, उसके आंसर की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन उसके आंसर को देखते रहिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी भी बनाई थी, मैंने समझाया भी था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाया था, अब इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें फर्स्ट टर्म आपका एपी का 2 दे रखा था, टेंथ टर्म आपको 47 दे रखा था, आपको एंथ टर्म निकालना था। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए आपको ए टेन गिविन था 47, तो ए टेन को आप खोल लेंगे इस तरीके से, ए टेन का ए प्लस 90 हो जाएगा 47, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, 90 = 47, और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आएगा, क्योंकि देखो 2 को पहले लेस कर देंगे और 45 बचेगा, 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डी निकल जाएगा। उसके बाद आपको ए एन निकालना था, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2 और डी की 5, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपका 5n-3 आएगा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर आपसे बोला गया था बहुलक निकालिए, मोड निकालिए। ठीक है, और मोड आपको या मोडल लाइफ एक ही बात है आपको निकाला था, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, जो सबसे बड़ा होता है उसे F1 कहते हैं, उससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 कहते हैं, तो जो F1 होता है ना उसके सामने वाले को L कहते हैं, और ये L हो गया। ठीक है, और 200 में से 100 घटाएंगे तो वो आपका H हो जाएगा, इनके 100, फिर आपको फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, तो आप जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा था, और वाला, देखिए और में आपका क्वेश्चन ये था कि आपको ये पूरी टेबल दे रखी है और इसमें आपको मीडियन निकालना था। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला, तो मीडियन के लिए पहले आपको CF निकालना पड़ता है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है L+N/2 CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मीडियन क्लास लिख दी यहाँ पे 10 से 15। ठीक है, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जब सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 13.42। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप आगे देखते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता है ना मीडियन का क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत उसी में बता लेता हूँ। देखिए आप जब CF निकालेंगे ना, मैं आपको बता दूँ, जब आप CF निकालेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से लिखेंगे, उसका टोटल कितना है, जितना इसका टोटल होगा उसका आधा करेंगे तो किसके अंदर आ रहा है उसे देखेंगे। ठीक है, और जिसको हम देखेंगे उसके अंदर हमें L पता लग जाएगा, और हमारा जो है ना इसके अंदर आएगा तो ये L हो जाएगा, ये ऊपर वाला F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे CF, ये CF ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, F तो ये वाला रहता है ना, CF इसके ऊपर वाला होता है। ठीक है, क्योंकि मैं CF यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से बताता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो गई हो। देखो जब हम ये CF निकालेंगे तो हम इसका टोटल जो आएगा उसका आधा करेंगे, आपको मैंने करके भी दिखा होगा, आप वो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल जो आया मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, तो ये आंसर आएगा ना, तो इसका इसके अंदर ये होगा F, ये होगा आपका L और उससे ऊपर वाला आपका CF हो जाएगा। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है पहले। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना था दैट द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये आपका जो है ना 10.1 जो थ्योरम है वो थी आपकी। ठीक है, तो ये तो थ्योरम आप पूरी कर लेना, मस्ट डू भी मैंने डाल रखा है, तो मस्ट डू में बहुत इजी तरीके से दे रखी है, तो इसको जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि थ्योरम एक आनी आनी है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको सम पता लगाना है और द फर्स्ट 15 × 6, आपको 15 × 6 के ना आपको उसको सम निकालना है, तो इसमें SN का फॉर्मूला लगा देंगे, आप देखो कैसे करें। ठीक है, देखो ये रहा 6 का टेबल लिख दिया, तो A कितना आएगा 6, D कितना आएगा 6 का टेबल है तो 12 × 6 = 6 बचेंगे, फिर SN का फॉर्मूला लगा दिया, SN का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, N/2 2A
प्लस एन माइनस वन और बाहर डी, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। ओके, उसके बाद और वाला देख लेते हैं। और वाला, इसने बोला दो अंकों की कितनी संख्या है, 3 और 5 से विभाज्य है, मतलब कितने नंबर है जो 3 से भी कट जाएंगे और 5 से भी कट जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 एंड 5 बोला गया था, ठीक है, तो 3 एंड 5 दोनों का अगर हम लेंगे तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारे पास 15 आएगा। तो 15 का टेबल हम लेंगे, ठीक है, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आप नोटिस करना, देखिए यहाँ पर ना एंड लिखा हुआ है, या नहीं लिखा, और नहीं लिखा। और लिखा होता तो मतलब यह है कि वो नंबर पता लगाइए 2 डिजिट के जो 3 से कट जाए या 5 से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एंड लिखा है, तो ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी कटता और 5 से भी कटता हो। लेकिन अगर जैसे मैं 6 लिखूंगा तो वो 3 से तो कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, इसलिए हमें इसको दोनों को, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, और 15 का फिर टेबल लिख लेंगे 2 डिजिट तक। तो सबसे छोटा 15 होता है, 30, 45, 60, ठीक है, इस तरीके से 90 तक जाएगा। उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, और देखो सिंपल आप पता लगा सकते हो कितने नंबर है, देखो कितने नंबर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ठीक है। नहीं तो आप इस तरीके से पूरा दिखा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 है। ओके, तो यहाँ करेक्शन मैंने करा दी। अब आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है, और इसमें ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो आपको ये पता लगानी है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर देख लो, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी, ये निकलेगी, बाकी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आंसर देखो, देखो इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया इस तरीके से, जब सॉल्व कर दिया हमारा ये आ गया, पावर 2 आगे बढ़ी तो क्वाड्रेटिक है। और ऐसे इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 बड़ी पावर आ रही तो क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पर तो जब सॉल्व किया तो आई नहीं बिल्कुल, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर लिखो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता क्या बोला गया, आपको क्या करना है, केवल आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये 10 से कम है तो 0 से 10 हो गया, फिर 20 से कम है 10 से 20 हो गया, 30 से कम है 20 से 30 हो गया, 40 से कम है 30 से 40 हो गया, 50 से कम है 40 से 50, 60 से कम है 50 से 60, 70 से कम है 60 से 70, 80 से कम है 70 से 80, 80 से 90, ठीक है, 80 से 90, 90 से कम है तो 90 से 100, 100 से कम है, ठीक है, ये तो आप लिख देंगे। और इधर क्या लिखेंगे आप, इधर पता क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ये 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ पर 19 में 7 गए 12, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। मैं भी आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने बिलो लिख दिया है, ठीक है, आपको बिलो नहीं लिखना, आपको जो मैंने अभी दिखवाया था ना वही लिखना है, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से यहाँ पर ये करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, समझे मेरी बात, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बिलो 20 लिखेंगे तो क्वेश्चन सेम पुराना वाले तो हो गया, ठीक है, ये करेक्शन करनी है। बता देना कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, 90 to 100 आएगा। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं, सेक्शन बी में क्या है, देखिए सेक्शन बी में ये आपको एक तो बोला गया कि सर्कल बनाना है, आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है और टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और एंगल उनके बीच में 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो ये आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, बाहर एक पॉइंट ले लेंगे, आप बाहर पॉइंट नहीं लेंगे,
तो सिंपल है कि यहाँ पर 90 का बनाएंगे, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 का ऐसे लाइन चली जाएगी। अब आपको पता है 60 चाहिए, तो यहाँ पे आपको 120 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने का टोटल 180 होता है। ठीक है, तो 180 बनाने के लिए यहाँ पे प्रकार का सारा ले लेना। ठीक है, तो ये आपने 180 बना दी, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 90 का बनाना है। जब आप 90 का बनाएंगे तो ये अपना 60 का आएगा, क्योंकि देखो ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, और ये 120 का होगा, और इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा, उसके चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। तो एग्ज़ाम में 60 की जगह अगर 30 लिखा आ गया तो आपको यहाँ पे 150 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में यहाँ पर 45 डिग्री का आ गया तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का बनाना होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th है। तो 8th क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अगर 8 सेंटीमीटर पानी को खड़ा रखना है, ठीक है, तो कितना एरिया चाहिए। ठीक है, मतलब कितने एरिया तक जो है ना, नहर अगर स्पीड से आ रही है तो कितने एरिया तक जो है वो पानी को इरिगेट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर निकाल लिया, फिर 30 मिनट में निकाल लिया, आधा कर दिया, उसके बाद इरिगेट एरिया निकालना, तो 8 से डिवाइड कर दे, इतना आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो देखो ये जो वाटर निकाला ना वॉल्यूम का, ये किस में निकाला है, ये जो नदी बन रही थी वो क्यूबॉइड शेप में बन रही थी, तो क्यूबॉइड शेप में सब कुछ मीटर में दे रखा था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, हमें 30 मिनट का बोला तो आधा कर दिया, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा। उसके बाद इरिगेटेड एरिया निकाला था, 8 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर है ना ये, तो इसको मीटर बदलने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए मैंने ये कर रखा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें आप समझ लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर दूँ लिंक। उसके बाद एक तंबू है, एक लंबवती बेलन के आकार का है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, उसके ऊपर शंकुकार है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बेलन के ऊपर शंकु है, और तंबू की टोटल हाइट दे रखी 13.5, और रेडी दे रखी आपकी 14, और 80 रुपये लगते हैं तंबू बनाने के लिए। कपड़े की कितने कितना रुपये टोटल कॉस्ट आएगी आपको पता लगाना है। तो देखिए जब दो चीज़ों को जोड़ के बनाया जाता है तो सी एस से लेते हैं, क्या लेते हैं, सी एस से लेते हैं, तो TSA बन जाता है। तो कौन का CSA लगाओगे और इसका CSA लगाओगे। ठीक है, तो कौन का CSA क्या होता है, πrL होता है, इसका CSA क्या होता है, 2πrH होता है। दोनों को ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद 80 रुपये से आपको सॉल्व करना, आप आंसर देख लो आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट निकाल ली, टोटल हाइट दे रखी थी, और इसमें से 3 हमने लेस कर दी। ठीक है, देखिए सिलेंडर की हाइट केवल 3 दे रखी थी, तो बाकी जो हम 3 घटा देंगे तो इसकी आ जाएगी हाइट कोन की आ जाएगी, और रेडियस हमें पता ही है। फिर हमने स्लैंट हाइट निकाल ली, और स्लैंट हाइट निकालने के बाद फिर हमने पूरे टैंड का सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो देखो ये किसका है और ये किसका, आपको पता लग ही क्या होगा। ठीक है, ये किसका है आपका और ये किसका है। देखो एक हमने लगाया कोन का, ठीक है, और दूसरा हमने सिलेंडर का, तो ये हमारा कोन का, ये हमारा सिलेंडर का है। ठीक है, ये सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, 2πrH, और ये क्या लगाया, πrL। फिर हमने ये गैट किया, फिर हमने 80 को मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है कि तेज आंधी में एक पेड़ हवा से झुक गया, और पेड़ की चोटी जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और 40 मीटर की दूरी पर वो मिल जाती है। तो जो ट्री है ना, उसकी ओरिजिनल हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और ये हमें वैल्यूज भी दे रखे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखो ये पूरा ट्री था, तो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर नीचे गिर गया, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना दिया इसने। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ट्री है ना, उसकी रियल या ओरिजिनल हाइट कितनी है, तो ये पूरी ओरिजिनल हाइट कहलाएगी, ये पूरी की पूरी ओरिजिनल हाइट कहलाएगी। तो आपको ये चीज निकालनी, ये चीज निकाले, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर देखो। ठीक है, देखो आप ये मत सोचना कि आपने फिगर ऐसे बनाई थी, ये फिगर ऐसे दे रखी है, आपके नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये आपको 40 मीटर दे रखा था, 30 डिग्री का एंगल है, आपको ये पूरी हाइट निकालनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेड़ है ये ए ही है, क्योंकि तो ये चीज़ नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो ये लिख भी दिया, ए भी
इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी, या हम ऐसे कह सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ठीक है, क्योंकि और या हम ऐसे कह सकते हैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। लिख दिया ना यहाँ पर। उसके बाद देखो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें पता नहीं है और ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर कोस का लगा दिया, क्योंकि ये हमें पता नहीं है और ये हमें पता है, तो ये पी होता है, ओ सॉरी ये बी होता है, ये एच होता है, तो पी आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। पी अपॉन में एच साइन का होता है, बी अपॉन में एच कोस का होता है, और पी अपन बी टेन का होता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो वही हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है दोनों, और फिर हमने दोनों को जोड़ दिया, फिर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कि देखो 14 सेंटीमीटर लंबे खोखले बेलन, मतलब लंबरती बेलन के बाहरी आंतरिक वक्र क्षेत्र के बीच का अंतर इतना है, मतलब हमारे को ये दे रखा है कि एक सिलेंडर जो है होलो है, ठीक है, मतलब इस तरीके से तो मोटा भी है वो, तो इसका अंदर का ये जो इसका इनर का है ना इनर, और इसका जो बाहर वाला ये हिस्सा, तो उसके सी एस ए का डिफरेंस दे रखा है 88, और जो इसमें धातु लगी है उसका है इतना 176। तो ये कह रहा है अंदर बाहर का डायमीटर निकालिए, मतलब ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का अंदर का डायमीटर कितना होगा और बाहर का जो डायमीटर है ये पूरा कितने का होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने लिखा लेट आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ होलो राइट सिलेंडर, मतलब हिंदी में कि माना जो बाहरी जो रेडियस है ना, बाहरी त्रिज्या, ठीक है, जो लंबवृत्तीय बेलन उसकी बाहरी त्रिज्या बड़ा आ रहा है और जो लंबवृत्तीय बेलन उसकी आंतरिक त्रिज्या छोटा आ रहा है, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे तो 88 आएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बचेगा 88। ओ जब हम सॉल्व करेंगे ना 88 को, तुम्हारा 1 बचेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए बाहर वाले का होगा 2πRH, अंदर वाले का होगा 2πRH, इज इक्वल टू में 88 है, तो 2πH हमने कॉमन ले लिया, R माइनस R बचा इज इक्वल टू में 88, तो 2π के लिए कितनी है 22 अपॉन में 7, H कितना है, H हमें कितना गिवन है, H गिवन है 14, ठीक है, और R माइनस R ये रहेगा इक्वल टू में 88। अब देखो 7 × 2 = 14 होता है, ठीक है, और अब आप देखेंगे कितना हो गया, 22 को इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 2 आया तो कितना होगा 88। अब 88 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा, और जब R माइनस R इधर बचेगा 88 अपॉन में 88 आएगा, तो R माइनस R इक्वल टू 1 ही तो हुआ, ठीक है। बाकी आप वीडियो देख लेना, मैंने जो बना रखी है एक ऑल, और वॉल्यूम निकालना 176, वॉल्यूम हमें दे रखा था 176, तो नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो लगा दिया और फिर हमारा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन सी है, तो देखिए ये बुक का ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ना 10 चैप्टर में तो वहीं आपको मिल जाएगा, और देखो फिगर बना के नहीं दी थी, तो फिगर आपको खुद बनानी थी, मैं इसको सिर्फ रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देख लो, समझ लो, देख लो सॉल्यूशन तो यहाँ पर किया हुआ है, सॉल्यूशन आप यहाँ देख लो और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप देख समझ लो एक बार। देखिए अब मैं उसको करके दिखाता हूँ, जैसे ये सर्कल है और यहाँ पर हमें दे रखा है पी, ठीक है, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो हमें बोला गया ये ओ हो गया, हमें बोला गया ए पी बी, ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू डबल होगा ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल का, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझिए, देखिए किसी सर्कल के बाहर से जब हम टेंजेंट डालते हैं दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता होगा
एक ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं ना। तो आप देखो कि ये साइड बराबर है तो ये वाला एंगल, ठीक है, एक मिनट मैं पहले इसको लाइन को डाल दूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप 1 सुनिए, इसको 2 सुनिए, ठीक है। अब आप बताइए कि ये आपने पढ़ा होगा 10.1 थ्योरम में, कि ये जो होता है टोटल 90 होता है, कितना होता है 90 होता है। तो एंगल 1 प्लस ये क्या है, इसको मैंने एक्स मान लिया, यही तो निकालना है हमें, इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। और आप बताइए इन तीनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, हाँ है ना। अब 1 एंगल और इस 2 की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। देखो ये दोनों बराबर है, तो जैसे मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, इसको मैंने वाई मान लिया 2 मिनट के लिए, वाई इजिकल टू 180 डिग्री है, तो इस 2 की जगह भी तो 1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा कि जब मैं 1 लिख सकता हूँ तो मैंने क्या करा, 2 एंगल 1 प्लस वाई इजिकल टू 180 लिख लिया। अब एंगल 1 की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें आप पुट करो। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ पुट करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 2 लिखेंगे आप, एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे आप, ये x जगह माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 के मतलब दोनों में करो क्या आएगा, 180 माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इन दोनों को में से 2x को और 180 को उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ। जब आप उधर लेकर जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आप देखिए हमने वाई को इधर लिख दिया, और इक्वल टू में 180 माइनस का 180 और प्लस का 2x, तो 180 से 180 कट गया, 180 से 180 कट गया, इक्वल टू में क्या बचा 2x। और वाई का हमने क्या नाम दिया था, एपीवी, वाई का नाम हमने एपीवी दिया था, और एक्स का नाम क्या दिया था हमने, ओ ए बी, यही लाना था ना, ठीक है। वाई इक्वल टू 2x था ना, तो वाई का नाम क्या था, एंगल ए बी बी, और एक्स का नाम क्या था, ओ ए बी। तो इस तरीके से करना था ये, अच्छा फिगर्स की बनी हुई थी तो ये तो फायदा था। अब आगे देख लो आप, उसके बाद यहाँ बोला गया प्रूव दैट द पैरेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज होमोजीनियस। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा बुक का, ठीक है, 11वां होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखो बहुत इजी था ये, आपको देखिए जब सर्कल के बाहर से जब हम टेंजेंट डालते हैं तो दोनों बराबर होती है ना, तो वही चीज है कि हमने क्या करा, देखो ए पी बराबर ए एस, पी बी बराबर बी क्यू, और फिर आर सी बराबर सी क्यू, और डी आर बराबर डी एस, ये लिख दिया। फिर चारों को जोड़ दिया, इन चारों को हमने जोड़ दिया, इधर वाला अलग जुड़ गया, इधर वाला अलग जुड़ गया, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। फिर हमने बोला कि भाई ये तो पैरेलोग्राम, ये पहले से इक्वल थे, ये इसके इक्वल था, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से बता दिया और ये रोमबस हो गए, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देख लो फटाफट। 12th में आपको देखो ये मीडियन दे रखा था आंसर, और देखो दो चीज़ें गायब करेगा दो चीज़ें देगा भी, देखो यहाँ पर P और Q गायब करा था, दो चीज़ें आपको दे दी, एक टोटल दे दिया, दूसरा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो बता दिया कि इसने बोला मीडियन लगाना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप, पहली क्वेश्चन जो हमें एफ से बनानी पड़ती है, दूसरी क्वेश्चन फॉर्मूले से बनानी पड़ती है, सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। बुक का क्वेश्चन देख लेना 14.3 में आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज 14.3, और एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ ये दो बच्चे खड़े हैं, इनके बीच की डिस्टेंस तो 5 है, और यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो इससे जो 90 डिग्री की लाइन बन रही है, एक आपको ये पता लगाना है, और दूसरा जो मोहन है ना उसकी आयरन से कितनी दूरी है पता लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9
आपने पढ़ा होगा उसी के बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। अब आप इसका आंसर देख लो। देखिए सबसे पहले आपने फिगर तो देख ली, फिगर बनी हुई थी तो ट्रायंगल एसपीआई ले लिया हमने, ठीक है। और हमेशा वो ट्रायंगल लेना था जिसमें 90 डिग्री का दे रखा होता है, ठीक है। ये 40 डिग्री दे रखा था और हमें टोटल 50 दे रखा था। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब 50 दिया होता है तो इसको हमने एक्स मान लिया, तो इसको 50 माइनस एक्स। अगर किसी बच्चे ने इसको एक्स मान लिया, इसको 50 माइनस एक्स, तो बात एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इसके बाद हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, फिर दो ही क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप आराम से देख सकते हो, टेन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर किसका लगाएंगे, ठीक है, आप साइन का लगाएंगे एमपीआई में, क्योंकि हमें मोहन की निकालनी थी ना, ठीक है। एमपीआई में हमें ये चीज़ निकालनी थी, तो साइन थीटा का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है पी और ये एच, ठीक है। और आप चाहे तो इन दोनों के बेस पर भी लगा सकते हैं, ये क्या होगा बेस, ये होगा एच, तो हम कोस का भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो पी आई अपॉन में एम आई, ठीक है, पी आई अपॉन में एम आई, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे। फिर 14 देख लो आप। अब हम 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये एक क्लास टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें रंजीता है, वो कह रही कि मेरे मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसके मैथ्स में एक्स आए हैं, तो इंग्लिश में कितने आएंगे उसके, 40 माइनस एक्स, क्योंकि 40 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल मिला के 40 आए। तो कह रही अगर मेरे 3 मार्क्स ज़्यादा आते मैथ्स में, तो इक्वेशन बनानी होती है, तो ऐसे बनाते 3 मार्क्स ज़्यादा आते मैथ्स में, ठीक है, और 4 मार्क्स लेस आते इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 40 माइनस एक्स में से 4 कम कर देंगे, ठीक है, कम आते इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स, तो इनके प्रोडक्ट का मार्क्स 360 होता है, देखो प्रोडक्ट बोला है, तो यहाँ पर प्लस ना लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ये एक पहली क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर रंजीता की फ्रेंड मालती स्कोर 3 मार्क्स लेस इन मैथमेटिक्स, तो मालती उसके 3 मार्क्स कम आए मैथ्स में, ठीक है, ये मालती की सिचुएशन है। और 2 मार्क्स जो है वो ज़्यादा आए इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 मार्क्स ज़्यादा इंग्लिश में जितने होंगे इंग्लिश में, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक इस तरीके से आएंगे इंग्लिश में, बट रंजीता स्कोर बेस्ड ऑन द, तो रंजीता ने कितने स्कोर किए होंगे, आपको निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम आंसर निकालेंगे, फिर ये पता लगा लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें पता लग जाएगी, ठीक है। अब आप आंसर देख लो एक बार कैसे करा। देखो मैंने तो डायरेक्ट मान लिया था ना कि अगर उसके मैथ में एक्स है तो इंग्लिश में उसके 40 माइनस एक्स होंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं शुरू में एक्स वाई, फिर बाद में वही देखो वही चीज़ आ जाएगी, वाई कितना तो 40 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना फैक्टराइज करने, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो मालती का पूछा है, तो मालती की जो इक्वेशन बनेगी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया है शॉर्ट में, होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। आप अगर आप न्यू हैं तो मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ स्कूल के रिगार्डिंग जो भी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।